हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आपको बताने वाला हूं, कुछ दिखाने वाला हूं, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, जो कि हमारे वांचो जनजाति में, हमारे वांचो कल्चर में किस तरह से जो है विवाह होकर आते हैं। तो हम आज आपको दिखाएंगे उसी कल्चर को, उसी परंपराओं को, उसी रीति रिवाजों पर। तो मैं फोगिंग पंसा फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल पे। और मैं आज आ पहुँचा हूँ नीनू बस्ती में, नीनू गांव में, जो कि आज आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है नीनू के, जितने भी लोग, जवान लड़के, नौजवान, जितनी भी औरतें आज के दिन पर जो है बहुत अच्छी तरह से खुशी के साथ जो है अपने रानी का जो है स्वागत करने के लिए यहाँ पे आकर बैठे हुए हैं। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो है, गांव के सभी नौजवान लोग जो है यहाँ पर अपने गांव के रानियों का स्वागत करने के लिए जो है यहाँ पर आकर सज धज कर धूमधाम से सभी के चेहरे पर मुस्कान और इस तरह से खुशी के साथ को वेलकम करने के लिए यहाँ पर जो है बैठे हुए हैं। भले ही हम जितने भी आगे क्यों ना बढ़े, पर हम जो है आज भी उसी तरह से अपने परंपराओं, अपने रीति रिवाजों को मानते हैं। आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से ये जो है किसी जश्न से, किसी खुशखबरी से कम नहीं है। इस तरह से अपने गांव में जो भी कहीं से भी रानी आते हैं, उनका जो है गांव के वासी लोग जो है इस तरह से स्वागत करते हैं। और आज के दिन में इस नीनू गांव के जितने भी निवासी लोग रहने वाले हैं, कोई भी खेल नहीं जाते, कोई अपने काम वाम पे नहीं निकलते। आज के दिन जो है त्यौहार से कम नहीं है, अगर कहा जाए तो त्यौहार से बढ़कर आज का दिन को जो है सेलिब्रेट किया जाता है। जितने भी लोग हैं आज के लिए ही, आज अपना जितना भी काम काज है उनको छोड़कर इस सेलिब्रेशन को शामिल करने के लिए जो है सभी गांव के युवा से लेकर हुए मम्मी पापा और जितनी भी लड़कियां हैं निकल कर आते हैं। इतने जोरों शोरों से इस खुशी का, इस सेलिब्रेशन का जो है नाच कर, बहुत ही अच्छी तरह से जश्न मना कर उनका जो है रानी जो कि आएंगे लोंगफोंग गांव से। मैं आपको बता दूं कि लोंगफोंग गांव कहाँ है, लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट, जो कि वांचो जहाँ पे पाए जाते हैं, वांचो जनजाति, जो कि लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट में। और लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर में ही एक लोंगफोंग गांव है, और वही लोंगफोंग गांव से जो है रानी इस नीनू गांव के राजा के साथ में जो है उन दोनों का विवाह होने वाला है। और उन्हीं लोगों का, रानी का स्वागत करने के लिए जो है गांव के सभी लोग जो इस तरह से आज जश्न मना रहे हैं, रानी के आने का इंतज़ार। और इसी तरह से जोरों शोरों से, धूमधाम से जो है गाँव के वाले जो है नाचते हुए उनका इंतज़ार कर रहे हैं। इस गीत पे जो इस तरह से गाया जा रहा है कि हमारे गांव में, हमारे ज़मीन पर, हमारे बस्ती पर, हम सभी नीनू गांव के लोग जो हैं आपका स्वागत करते हैं। इस तरह से गीत के द्वारा, गीत के माध्यम से जो है इस गीत को गाते हुए गांव के लोग जो हैं नाच रहे हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि इंतज़ार का घड़ी जो है आखिरकार ख़त्म हो गया है। सामने में खबर आया है कि जो है बहुत ही करीब आ चुके हैं और यहाँ पे धूमधाम से तैयारी चल रही है। और आखिरकार इंतजार का घड़ी खत्म हो चुका, यहाँ पे आ चुके हैं। और आखिरकार आप देख पा रहे हैं कि
रानी को पहुंचाने के लिए और रानी के साथ में जो है लोंगफोंग गांव के जितने भी लोग हैं उनका साथ देते हुए यहां पर पहुंच चुके हैं। और भी कई सारे जो हैं पीछे से आ रहे हैं। और आखिरकार यहाँ आप देख पा रहे हैं पंखों वाली ताज जो कि रानियों का पहचान होता है। ये ताज सिर पर लगाए हुए रानी आगे बढ़ेगी। इस तरह से ये आप देख पाएंगे। ये रहे जिस रानी का हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, लोंगफोंग गांव की रानी आखिरकार नीनू बस्ती पे जो पधार चुके हैं और उनके साथ साथ उनके साथ आए हुए गांव के जितने भी लोंगफोंग गांव के लोग हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं गांव के बुजुर्गों के द्वारा लोकगीत को गाते हुए आगे आगे बढ़ेंगे और उनके पीछे पीछे लोग हालांकि अगर देखा जाए तो आज जो है गांव के अंदर तक सड़क पहुंचते हैं, पर हम आज इस जगह से इसलिए गांव के ओर बढ़ रहे हैं क्योंकि हम आज भी हम अपने परंपराओं को मानते हुए पूछते हुए कि पहले पहले समय किस तरह से इस बाउंड्री से आया करता था। तो ये आप देख पाएंगे और ये लोंगफोंग से आए हुए रास्ते जो है नीनू की ओर काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है, तो चलते हुए हमें गांव की ओर बढ़ना है। आखिरकार हम गांव पहुंचने वाले हैं और आप यहां पर देख सकते हैं किस तरह से गांव के महिला लोग भी जो है रानी को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और देख पा रहे हैं आप किस तरह से बच्चे से लेकर जितने भी गांव के लोग जो हैं उसको देखने के लिए बेसब्री से अपने अपने घरों के बाहर उन सभी का इंतज़ार करते हुए। और आप देख पा रहे हैं कि नानी लोग भी जो है किस तरह से इस आज के इस माहौल को देखते हुए जो है अपने पलों को याद कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस रास्ते पर जो है इस तरह से कुछ बनाया हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, अगर प्राचीन काल पर इतिहास पे देखा जाए तब इस रास्ते पर जब भी कहीं से कोई भी गांव से जब नीनू गांव के राजा रानी को विवाह कर अपने गांव ले आते हैं तो इस जगह पर रुककर
आराम करते हैं, थोड़ा सा खान पान करते हैं, पानी वगैरह ये सब करते हैं। हालांकि इस बार ऐसा नहीं है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इस तरह से जो हम इतने आगे बढ़ चुके हैं कि गांव की ओर सड़क आ चुके हैं, तो चलना ज़रूर पड़ रहा है, पर इतना दूरी नहीं। तो यहाँ पर बस थोड़ा सा आराम करेंगे और अपने गांव की ओर लगातार बढ़ते रहेंगे। और इस जगह से ही अपने नीनू गांव की अंदर अपना कदम रख दिया है, इस तरह से माना जाता है। तो यहाँ से जो पहले रानी बीच में और गांव के बुजुर्ग अपनी लोकगीत को गाते हुए आगे बढ़ रहे थे, पर यहाँ से जो है रानी आगे की ओर चलेंगे और उनके पीछे पीछे बाकी सब बढ़ेंगे। क्या आप देख पाएंगे कि पहले नीनू गांव के लोग जो है आगे आगे इस तरह से आ रहे थे, पर उस जगह से जहां पर आपने देखा वहां से जो है रानी अब एंट्री कर चुके हैं, यानी कि नीनू गांव के वासी होने वाले हैं, इसीलिए उनको आगे लिया जा रहा है। उनके पीछे जो है लोंगफोंग गांव से आए हुए लोग और नीनू गांव के निवासी लोग जो है साथ साथ आ रहे हैं। और जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इस गीत के द्वारा जो है बताया जा रहा है कि हम नीनू गांव के इस ज़मीन पर आपका स्वागत है, इस तरह से कहते हुए रानी के लिए जो ये गीत के द्वारा आप देख पा रहे हैं कि नीनू गांव के जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, नानी लोग जो है नई रानी का स्वागत के लिए यहाँ पर अपने घर के बाहरों पर निकल कर उनका इंतज़ार कर रहे हैं। नई नवीली दुल्हन रानी जो कि आए हैं लोंगफोंग गांव से, उनका स्वागत के लिए किस तरह से धूमधाम से छोटे छोटे बच्चे से लेकर उनके मम्मी पापा और बुजुर्ग लोग जो है अपने अपने घर के बाहरों पर निकल कर उनका इंतज़ार कर रहे हैं। बच्चे लोग भी काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं नई रानी का स्वागत करने के लिए और इंतज़ार गांव के अंदर रानी का स्वागत हो चुका है। और आखिरकार हम उस जगह पहुंच चुके हैं नीनू गांव के अंदर में, और आप देख पा रहे हैं कि कितने ज्यादातर दर्शक जो है अपने गांव के रानी का स्वागत करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं, उनका इंतज़ार जो कि बहुत बेसब्री से किया जा रहा था, आखिरकार वो पल आ ही गया। और आप देख पा रहे हैं ये जो नीनू गांव के राजा के घर की ओर बढ़ रहा हूँ, यहाँ पर वेलकम करने के लिए पूरे गांव के जितने भी सदस्य हैं यहाँ पर उनका इंतज़ार करते हुए बैठे हुए हैं। और आप देख पा रहे हैं कि न्यू गांव के जितने भी जवान लड़कियां हैं और जितने भी माएँ हैं नई रानी का स्वागत करने के लिए जो कि आ रहे हैं लोंगफोंग गांव से, काफ़ी ज़्यादा तादाद पे यहां पे बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा लोग हैं यहां पे, मैं बता नहीं सकता कि कितने ज़्यादा लोग हैं। सभी के चेहरे पर मुस्कान जो कि नई रानी का स्वागत किया जा रहा है इस न्यू गांव पे। और पहुंच चुके हैं
आखिरकार हम घुस चुके हैं नीलू गांव के राजा उनके घर पे। और ये बाहर के नज़ारा है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत ही काफ़ी ज़्यादा लोग जो है तादाद पे यहाँ पे आए हुए हैं। मैं आपको बता नहीं सकता कितने ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर। और आप देख पाएंगे कि यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे जो है खुशियाँ मनाए जा रहे हैं। चलो मैं तुम्हें के लिए बस इतना ही। मैं फॉगिंग पंसार से विदा लेना चाहूँगा। विदा, मिलेंगे अगली वीडियो पर। तब तक के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना प्यार जरूर बरकरार रखें। सो अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।